नमस्कार, अब राहुल बजाज भी बोले हैं। राहुल बजाज, बजाज ऑटो वाले, उम्र 81 साल, अब वो भी सरकार के खिलाफ बोले हैं। पिछले 5 साल से तमाम लोग चुप थे, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पार्टियों की फंडिंग कर रहे थे, और किस पार्टी की सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहे थे ये कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन राहुल बजाज बोले, अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। अब जब आग, अर्थव्यवस्था की मंदी अपने ही घर पर, अपने ही दरवाजे पर पहुंच गई है, तो एक एक करके सब बोल रहे हैं। पहले आदि गोदरेज बोले थे, उससे पहले नारायण मूर्ति बोले थे, अब राहुल बजाज बोले हैं, इससे पहले इनके बेटे राजीव बजाज भी बोल चुके हैं। राहुल बजाज का कहना है, ये चेयरमैन है बजाज ऑटो के, इन्होंने 29 जुलाई को, यानी कल, जब इनकी जनरल बॉडी मीटिंग थी, तो उसमें कुछ बहुत ही मुश्किल सी बातें कहीं सरकार के लिए। इनका कहना है, देर इज़ नो डिमांड एंड नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ना तो मांग है इस वक्त मार्केट में, और ना ही कोई निजी निवेश आ रहा है सामने, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो वेयर विल ग्रोथ कम फ्रॉम, तो ऐसे में विकास कहाँ से होगा? क्या स्वर्ग से उतरेगा विकास? इट डजंट फॉल फ्रॉम हेवंस, विकास स्वर्ग से नहीं उतरता होता। द ऑटो इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। जो ऑटो इंडस्ट्री है, जिसमें गाड़ियाँ बनती हैं, कारें बनती हैं, बसें बनती हैं, ट्रक बनते हैं, टू व्हीलर बनते हैं, थ्री व्हीलर बनते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं, SUVs बनती हैं, जीप्स बनती हैं, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, और मुश्किल दौर से वाकई गुजर रही है। और द गवर्नमेंट मे और मे नॉट बी सेइंग दिस, बट देर आर क्लियर कट मार्किंग्स फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक विच शोज अ डिक्रीज इन ग्रोथ इन द लास्ट 3 to 4 years। सरकार कहे या ना कहे, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से पिछले 3 या 4 साल में बहुत स्पष्ट संकेत आ रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो उसकी जो वो मंदी की तरफ जा रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका विकास नहीं हो रहा है। लाइक एनी गवर्नमेंट, दे वुड लाइक टू शो हैप्पी फेस, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। किसी भी सरकार की तरह ये भी दिखाना चाहेंगे कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, खुश चेहरा दिखाना चाहेंगे, खुशहाली का चेहरा दिखाना चाहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। इससे पहले इनके बेटे राहुल बजाज, वो राजीव बजाज, माफ़ करें, वो बोल चुके हैं, सिंस द पास्ट 2 ईयर्स देर हैव बीन अ लॉट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। पिछले 2 साल में बहुत ही सरकार ने बहुत सारे यू टर्न लिए हैं। समटाइम्स दे ब्लो हॉट, समटाइम्स दे ब्लो कोल्ड। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एक बड़ी पुरानी फिल्म आई थी, कभी तो हुंकार मारते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी 4 कदम आगे चलते हैं, फिर 3 कदम पीछे आ जाते हैं। समटाइम्स दे मेक वेरी डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स, कभी कभी तो ऐसे वक्तव्य देते हैं जो एकदम स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं, नीतिगत होते हैं, हमें दिखाई देता है कि इसमें दिशा है। देयर ओन कलीग्स कॉन्ट्रडिक्ट देयर स्टेटमेंट्स, लेकिन फिर इनके अपने ही सहयोगी, इनके अपने ही साथी, इन्हीं के ही वक्तव्यों को, इन्हीं के ही जो नीतियाँ हैं उनकी आलोचना करते हैं। एंड पीपल इन इंडस्ट्री आर क्वाइट कन्फ्यूज एक्चुअली। तो उद्योग जगत में जितने भी लोग हैं, हम सब बड़े कन्फ्यूज हैं, हम दुविधा में हैं, हम भ्रम की स्थिति में हैं। We will not allow ourselves to be disrupted by government policies or be frustrated by it, because India is only one of our markets and we have 90 markets to look after. हम इस सरकार को इजाज़त नहीं देंगे, बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे, ना ही हम रुकेंगे, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ढुलमुल हैं, उसमें यू टर्न बहुत ज़्यादा है। भारत हमारे लिए इकलौती मार्केट नहीं है, हमारे पास पूरी दुनिया में 90 मार्केट हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। So if we keep dancing to policy changes of governments across the world, we will never be able to put our mind to our own work. तो अगर पूरी दुनिया की सरकारों के जो नीतिगत निर्णय होते हैं, जो नीति के फैसले होते हैं, जो जैसे ये लोग बदल रहे हैं बार बार, वैसे ही बदलते रहे, तो हम मजबूर नहीं हैं कि उसके लिए हम उनकी नीतियों पर हम नाचते रहें, हमें अपना काम करना है। ये राजीव बजाज का कहना है, एक उद्योगपति का कहना है। हैरानी की बात यह है कि सारे सोए हुए थे पिछले 4-5 साल से। बहरहाल, अब हम आते हैं, असलियत क्या है, हुआ क्या है, ऐसी बात क्यों हुई। आदि गोदरेज ने तो ये कहा था कि जितनी भी असहिष्णुता बढ़ रही है, इनटॉलरेंस बढ़ रही है, उसको जहन में रखते हुए सोशल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, जो हमारी स्थिरता है, सामाजिक बनावट है, उस पर जो हमले हो रहे हैं उसको जहन में रखते हुए
हेट क्राइम्स, नफरत वाले हमले हो रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, मॉरल पुलिसिंग, नैतिकता की पुलिस चल रही है, वो आपको बताएगी क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या पहनो क्या ना पहनो, क्या बोलो क्या ना बोलो. कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड वायलेंस, जाति और धर्म के नाम पर जो हिंसा चल रही है, और भी बहुत सारे असहिष्णुताएँ, इनटॉलरेंसेज हैं, जो बर्दाश्त, तो चीज़ें जो बर्दाश्त करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, वो नहीं है, पूरे देश में फैली हुई. अब आदि गोदरेज के खिलाफ किसी 61 सेलिब्रिटीज़ ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, एक चूँ भी नहीं बोला, 49 एकेडेमिक्स और आर्टिस्ट के खिलाफ बोला है. आदि गोदरेज के बारे में भी बोल के दिखाया, नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पॉन्सर हैं, यहाँ से पैसे आते हैं. बहरहाल नारायण मूर्ति भी बोले थे, इतने साल चुप रहे, वो भी बोले थे. उनका कहना था, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन डिफिकल्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टुडे, द यूथ नीड टू स्टेट ब्लंटली दैट दिस वाज नॉट द कंट्री फॉर विच आर फोर फादर्स फॉट फॉर. नारायण मूर्ति जो एक तरह से गुलामों की फैक्ट्री बनाते रहे हैं, वो गुलाम जो अमेरिका जाकर आईटी इंडस्ट्री चलाते हैं, जिन्होंने कोई नए नए आविष्कार नहीं किए हैं, हाँ, चुप रहे हैं हमेशा. अब वो भी बोल रहे हैं कि समय आ गया है कि नौजवान खड़े हो जाए बताने के लिए कि ये वो भारत नहीं है जिसके लिए हमारे पुरखों ने संघर्ष किया था, हमारे पुरखे लड़े थे. अब इनको पुरखों की भी याद आ गई. कहने का मतलब ये है कि अब जब आंच इनके दरवाजे पर पहुंची है मंदी की, तब इनके होश ठिकाने आ रहे हैं, इन उद्योगपतियों के ये बोल रहे हैं. हुआ क्या है दरअसल? हुआ ये है कि बजट, जिसको बहुत ही टीम टाम से ऐतिहासिक लाल बही खाते में प्रस्तुत किया गया था, और जब लाल बही खाते में प्रस्तुत किया गया था तो हमारे प्रधान सेवक ने 86 बार मेज थपथपाई थी, उसके पीछे के जो कुछ फैसले थे वो जिस शख्स ने लिए थे उसको हटा दिया गया. सुभाष चंद्र गर्ग उसका नाम है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी था. कुछ फैसले ऐसे लिए गए जिससे सीधा साधा अगले दिन से ही स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा, सीधा साधा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. अब हुआ क्या था कि डॉलर बाहर से लिए जाएंगे और यहाँ से बॉन्ड लिए जाएंगे, इसकी बहुत आलोचना की गई थी, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी कि इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, और इस आइडिया के पीछे सतीश चंद्र गर्ग थे, ऐसा हमें बताया गया. और जो सुपर रिच जो हैं, जो बहुत अमीर हैं, उन पर 47.5% टैक्स लगेगा, हाँ, इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया, लिहाजा स्टॉक मार्केट बैठ गई. ठीक है, स्टॉक मार्केट बैठने से लाखों करोड़ का नुकसान हुआ. उसके अलावा सतीश चंद्र गर्ग ने यह भी कहा कि सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, कि जो तुम्हारे रिजर्व्स हैं वो 75% सरकार को दे दो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट में जो फिगर्स आई थी, जो रेवेन्यू की फिगर्स आई थी जिसे GDP भी डिटर्मिन होता है, वो एकदम अलग अलग थी. सरकार के अपने ही आर्थिक सलाहकार रथिन रॉय ने ये बात सार्वजनिक रूप से कही, वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम एकदम चुप हैं, हम या तो मानने को तैयार नहीं है कि एक इम्पेंडिंग डिजास्टर आ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है, और वही हो रहा है इस वक्त. ये बात और है कि ये संकट कश्मीर में जो हो रहा है उसके शोर में दबेगा. उसके अलावा और भी ध्यान हटाने की बातें की जाएंगी. 1,70,00,000 का फर्क आ रहा था इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो ऐतिहासिक बजट जो लाल बही खाते में पेश किया गया था उसके दौरान, तो इसका जिम्मा भी ये सतीश चंद्र गर्ग को दिया गया है. एक मिनट, माफ करें, सुभाष चंद्र गर्ग, सतीश चंद्र गर्ग नहीं, सुभाष चंद्र गर्ग. उसके अलावा इस सब के बारे में प्रधान सेवक मोदी को नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने 86 दफ़े डेस्क थपथपाए थे, बजट को ऐतिहासिक बताया था. हकीकत जो है वो सबके सामने है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर YV रेड्डी जो रहे हैं वो बिल्कुल चुप रहे हैं इस मामले पर. निर्मला सीतारमन, जिन्होंने कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ज्वाइन की थी, वो इस टीम का हिस्सा नहीं थी जिसने बजट बनाया था. जब विवेक देबरॉय जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं, क्या उन्होंने प्रधान सेवक को बताया था कि ऐसा संकट आ रहा है, या वो चुप रहे थे, इसका भी कोई जवाब नहीं है. तो राहुल बजाज भी बोले हैं, राजीव बजाज उनके बेटे भी बोले हैं, आदि गोदरेज भी बोले हैं, ये क्या नाम है इनका, नारायण मूर्ति भी बोले हैं. और फॉल गाय अंग्रेजी में कहते हैं, बलि का बकरा वो सुभाष चंद्र गर्ग को बनाया जा रहा है. प्रधान सेवक ने 86 बार
मेज थपथपा दी। ऐतिहासिक बजट है। निर्मला सीतारमन इसी बात पे ही खुश हो गई कि इस दफ़े का बजट जो है वो लाल रंग के बही खाते में लाया गया है। ये गुलामी की निशानी होती थी ब्रीफकेस, ये बात और कि अंग्रेज़ी में लाया गया, जिसे भी गुलामी की निशानी समझा जा सकता है। बहरहाल अभी भी वक्त है, करेक्टिव मेजर्स लिए जाएँ, लिए तब जाएंगे जब माना जाएगा तो कि हमारी अर्थव्यवस्था वाकई लगातार ढलान पर जा रही है और हम लोगों का ध्यान हटा रहे हैं, हम कश्मीर की तरफ ले जा रहे हैं, हम दूसरे मुद्दों की तरफ ले जा रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में और संसद में भी उन्नाव बलात्कार केस का शोर मचा हुआ है। अपने आप में एक ऐसा धब्बा है, ऐसा कलंक है योगी सरकार पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार पर जहाँ पर इतनी महिलाएं यूं तो बहुत बोलती हैं जो मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, इस मसले पर चुप हैं एकदम। सरकार की तरफ से कोई भी मिलने नहीं गया उस पीड़िता को, उस लड़की को मिलने के लिए, जिसका बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित रूप से एलिजेडली बलात्कार किया था। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, उसके पिता को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था बलात्कार के अगले दिन, क्योंकि उसके पास कोई फायर आर्म मिला था। उससे अगले दिन उसके पिता की हिरासत, पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी टॉर्चर की वजह से। उसके बाद वो अपने मामा से मिलने जा रही थी, जब मौत हुई उसके बाद उसने आत्मदाह, सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने, तब जाकर केस रजिस्टर होने शुरू हुए। मैं आपको जल्दी जल्दी एक टाइमलाइन बताता हूँ। 4 जून 2017 को 17 साल की लड़की उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का MLA कथित रूप से उसने उसका बलात्कार किया। 8 अप्रैल 2018, पूरा साल बीत गया है, साल होने वाला है, तो जो पीड़िता है उसके पिता के खिलाफ एक केस दर्ज किया जाता है कि उसके पास एक गैर कानूनी पिस्तौल या बंदूक थी। ठीक है, 8 अप्रैल 2018, 8 अप्रैल को ही जो पीड़िता है वो आत्मदाह की कोशिश करती है। 9 अप्रैल को पीड़िता का पिता, जो पुलिस हिरासत में है कि गैर कानूनी बंदूक थी उसके पास, उसकी मौत हो जाती है पुलिस हिरासत में। उसके बाद 7 जुलाई को पहली दफ़े चार्जशीट फाइल होती है MLA के खिलाफ, ये जो मौत हुई है पीड़िता के पिता की उसको लेकर। फिर 11 जुलाई को उसी साल दूसरी चार्जशीट फाइल होती है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बलात्कार के आरोप में। उसके बाद 13 जुलाई को तीसरी चार्जशीट फाइल होती है बीजेपी के MLA कुलदीप सिंह सेंगर को गलत केस दायर करने के आरोप में पीड़िता के पिता के खिलाफ। उसके बाद 21 नवंबर 2018 को जो पीड़िता है उसके एक चचा को 18 साल पुराने फायरिंग केस में गिरफ्तार किया जाता है। फिर सीधा 2019 पर आ जाइए, जुलाई 28, 2019, परसों, ये जो पीड़िता है ये और वकील और इसके साथ इसकी मौसी जो विटनेस है और साथ में एक और रिश्तेदार जो विटनेस है, उन पर ट्रक चढ़ जाता है उनकी गाड़ी पर, पुलिस सिक्योरिटी साथ में नहीं है, ट्रक चढ़ जाता है, ट्रक का नंबर मिटा हुआ है, ट्रक गलत साइड से आकर चढ़ जाता है इनकी गाड़ी पर और तीन लोगों की मौत हो जाती है, दो क्रिटिकल है। इस वक्त जो पीड़िता है लड़की वो बहुत गंभीर अवस्था में है, लेकिन कहीं पर चू नहीं है। जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हैं रूलिंग पार्टी की जो संसद में है, वो चू तक नहीं कर रही हैं। आज़म खान ने जो कहा रमा देवी को लेकर, उस पर शोर ज़्यादा मचा हुआ है, लेकिन ये जो लड़की इस वक्त जो मौत से जूझ रही है वेंटिलेटर पर है, अक्सर माना जाता है कि वेंटिलेटर माने जाने की स्थिति है, उसको लेकर कोई भी हमारी ना मंत्री गई है महिला मंत्री, ना कोई MP गई है। स्वाति मालीवाल गई है, दिल्ली कमीशन ऑफ वीमेन की जो चेयरपर्सन है, उसका कहना है, स्वाति का कहना है, आई मेट उन्नाव रेप सर्वाइवर, हर लॉयर एंड डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट द विक्टिम एंड द लॉयर्स आर क्रिटिकल एंड हैव लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवर। मैं जो पीड़िता है उसके और वकील है उसके डॉक्टर से मिली, उन्होंने बताया कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर्स बिलीव दैट दे शुड बी एयरलिफ्टेड टू द बेस्ट हॉस्पिटल टू इन दिल्ली। डॉक्टर्स का मानना है कि इनको हवाई जहाज के जरिए फौरन दिल्ली के किसी भी बेहतरीन अस्पताल में भर्ती कराया जाए, परिवार भी यही चाहता है। मैं भी अस्पताल से बात कर रही हूँ, हाँ, वी विल शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हम लेंगे। DGP सेइंग कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, जो DG पुलिस है वो कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया, ये शब्द इस्तेमाल किया, प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट लगता है। कभी इधर अस्पताल भी आकर देखो, योगी आदित्यनाथ आए, उनके MLA
और ये जो MLA है इसकी पोस्ट बाहर हो, इसके खिलाफ कोई पार्टी ने कार्रवाई ज़्यादा नहीं करी है। द केस शुड बी ट्रांसफर टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाना चाहिए और सेंगर शुड बी हैंग टू डेथ। अब केस जाएगा, अदालत फैसला सुनाएगी, फांसी सुनाती है, उम्र कैद सुनाती है, या आप उस पर छोड़ दीजिए स्वाति मालीवाल, आप खुद मत फैसला कीजिए, ठीक है। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि एक दफ़े निर्भया का केस हुआ था, पूरा देश खड़ा हो गया था, ठीक है। इधर स्पीकर का कहना है कि ये तो राज्य का मामला है, निर्भया का केस पूरे देश का मामला था, ये राज्य का मामला है। अगर निर्भया का केस भी राज्य का मामला माना जाता तो सिर्फ दिल्ली की सरकार ही देखभाल करती उसकी, देश पूरा खड़ा हुआ है इस वक्त, पूरे देश में उन्नाव की इस पीड़िता के बलात्कार को लेकर भी बहुत गुस्सा है और जो एक्शन लिया गया वो काफ़ी नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर जो है बीजेपी का MLA, वो जेल की सिक्योरिटी में है, उसको लगातार सूचना दी जाती रही इस लड़की की सिक्योरिटी से कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। ले दे करे कि ऐसी मिसाल है कि एक बार फिर ब्रेजननेस, बेहयाई, ढीठपने से भी आगे होती ना बेहयाई और ढीठ, सरकारें जब ढीठ हो जाएं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो हाल ये होता है। आज यूपी में हुआ है उन्नाव में, यूपी में कहीं पर भी हो सकता है, पूरे देश में कहीं पर भी हो सकता है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर, एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।